वेलकम टू अटेंगेस्ट। आपकी तार्किक बौद्धिक क्षमता, व्यापार में आपकी दक्षता, जीवन में सही समय पर सही निर्णय ले पाने की क्षमता और अपने फायदे के लिए चीज़ों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाने की क्षमता। बुद्ध जब आपके लिए बेहतर होता है तो इन चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। देखो, बुद्ध का ये पर्वत क्षेत्र आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आपके बुद्धि विवेक, आपकी बौद्धिक क्षमता, तर्क क्षमता, इन सारी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है और इनकी बेहतरीन स्थिति में आप अपने जीवन की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करने में समर्थ होते चले जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे चिन्ह होते हैं जो कि स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि जीवन में कब किस तरीके से आपका विकास होगा, कब किस तरीके से आप अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का पूर्ण तरीके से निराकरण करके जीवन को और भी ज़्यादा बेहतरीन स्थिति तक लेते हुए चले जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही कुछ रेखाएं होती हैं बुद्ध की, जो कि दूसरे क्षेत्र से बुद्ध की तरह बढ़ती चली जाती है। इनका भी बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि अगर ये अच्छी स्थिति में हो या बुद्ध की रेखा कहीं से टूटी फूटी ना हो, कहीं से खंडित ना हो, कहीं से कुछ बुरे सिंबल उस पर ना हो, तो ये और भी ज़्यादा आपको प्रखर रूप से आगे बढ़ाने का काम करता है और आपकी सफलता और भी ज़्यादा दिन दुगुनी रात चौगुनी गति से आगे की तरफ बढ़ने लगती है। सामान्य तौर पे देखा जाता है कि जैसे जीवन रेखा रेखा आपकी नीचे की तरफ आई, इस क्षेत्र से निकल के एक बुद्धि की रेखा ऊपर की तरफ चलती चली गई है। ये रेखा सीधे भी जा सकती है, टूट फूट के छोटी छोटी रेखा के रूप में भी जा सकती है। ये हर एक हथेलियों में अलग अलग होता है कि ये कहाँ तक जाएगी, कितनी दूर तक जाएगी, पूरे बुद्ध के क्षेत्र तक या मध्य में ही जाके रुक जाएगी। अलग अलग जगह पर रुकने और अलग अलग जगह की जहाँ पर रुकी है वहाँ की स्थिति विशेष के आधार पर तय कर सकते हैं कि इसका प्रभाव किस हद तक आपके जीवन में पड़ेगा और किस कालखंड में पड़ेगा। लेकिन सामान्य तौर पर अगर मान लो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हथेली में निकली टूट टूट के आगे की तरफ बढ़ रही है, तो इसमें देखना पड़ेगा टूटने के बाद अंदर की तरफ यानी राहु की तरफ से बढ़ी है, या अगर देखेंगे इस क्षेत्र में है तो चंद्र की तरफ से बढ़ी है, यहाँ पे आ गई तो मंगल की तरफ से बढ़ी है, या फिर से राहु की तरफ से ही बढ़ी है। जब बढ़ी है तो बढ़ने के दरमियान उसकी जो है स्थिति क्या है, अर्धो रेखा के रूप में है, ऊर्ध्व रेखा के रूप में, ऊर्ध्व यानी ऊपर की तरफ से, अर्धो यानी नीचे की तरफ डाउनफॉल में जा रही है। इसके अलावा इसे बाहरी रेखाओं ने किस हद तक काटा है, जो जिस रेखाओं ने काटा है वो टेम्पररी है या परमानेंट लाइन है, उसकी करंट कितनी है यानी कि उसमें ताकत कितनी है और किस हद तक इसे प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जिस समय काट रहा है उस समय में यानी कि उस उम्र में बाकी ग्रह क्षेत्रों की स्थिति कैसी है और क्या प्रभाव दिखा रही है। अगर गुरु की स्थिति वहां पर अच्छा है तो प्रभावशाली ढंग से आप उससे मुकाबला कर पाएंगे। स्थिति अगर पूरी रेखा सीधी तरीके से गई है और ठीक उसी कालखंड में गुरु की स्थिति अच्छी है, शनि की स्थिति अच्छी है, तो आप बेहतर पैसा बनाएंगे, बेहतर पहचान बनाएंगे। सूर्य की स्थिति अच्छी है तो पहचान आपको बड़े राजकीय सम्मान की तरफ भी लेते हुए चली जाएगी। लेकिन उसी समय अगर इनकी स्थिति मान लो सूर्य की अच्छी नहीं है, शनि की अच्छी है, ठीक है, तो पहचान बड़ी होगी लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे और उस समय जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा को भी आघात उस समय लग रहा होगा, आपके किसी अपनों के द्वारा, बाल बच्चों के द्वारा हो जाए या अपने किसी जो वेल विशर्स हैं उसके द्वारा हो जाए, माता पिता के जीवन में कुछ हो जाए, आपके जीवन में ही कुछ ऐसी चीजें हो जाए गुप्त रूप से जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, बहुत बाद में पता चलेगा। तो ऐसे युगों को ये बढ़ाने का काम करती है। तो अलग अलग क्षेत्र में एक ही लाइन, एक ही व्यक्ति के जीवन के एक कालखंड में विभिन्न प्रकार के जो आपके जीवन में चुनौतियां या बेहतरी आने वाली है या जो कुछ भी आने वाला है, उन सारी चीजों को स्पष्ट तौर पे दिखाने का काम करता है। बहरहाल जब यहाँ पे हम हैं तो आज जिसकी बात कर रहे हैं वो खास रेखा है, जैसे कि यहाँ से जीवन रेखा है ना। अब बुद्ध की रेखा जैसे कि अभी मैंने बताया यहाँ से सामान्य तौर पे निकलती है, या कुछ हथेली में देखेंगे कि भाग्य रेखा केतु के क्षेत्र से निकली है और इस रेखा से मिलते हुए आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जाती है। ये भी टूटी फूटी खंडित अवस्था में हो सकती है या पूरी सीधी अवस्था में हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। लेकिन एक अन्य स्थिति है जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जीवन रेखा आई है, कोई भाग्य रेखा की स्थिति यहाँ पर नहीं बनी है और बिल्कुल इससे अलग यानी कि स्वतंत्र रूप से एक रेखा निकल के ऊपर की तरफ बढ़ती चली गई है। जब भी इस क्षेत्र से रेखा निकलेगी और बुद्ध के क्षेत्र में जाएगी, चाहे वो जीवन रेखा से संपर्क में हो, चाहे वो भाग्य रेखा से संपर्क में हो, चाहे वो चंद्र के क्षेत्र से संपर्क में हो, वो बुद्ध की रेखा ही कही जाएगी और उसी का पूर्ण प्रभाव, उसी दायित्व के साथ, उसी शक्ति के साथ वो आगे आपके जीवन को एक तरीके से संबंध करने का काम करेगी और आपके जीवन में उसका प्रभाव आएगा। तो जब भी ये स्वतंत्र रूप से बढ़े, चंद्र के क्षेत्र से बढ़े, चंद्र का क्षेत्र बेहतर स्थिति में
हो और बुद्ध की रेखा अच्छी तरीके से ऊपर बढ़ रही हो, कहीं टूटी फूटी ना हो, किसी खंडित किसी बुरी रेखा ने इसे, जैसे यव रेखा ने, जैसे क्रॉस के साइन ने इसे कहीं भी न छुआ हो, बुद्ध का ये पर्वत क्षेत्र अच्छी स्थिति में हो, तो ये रेखा इतनी बलशाली है कि ये व्यक्ति को कहाँ लेके जाएगी इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक रोड के बंदे को ये इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में या औद्योगिक क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी ऊंचाई तक पहुंचा देती है, बिल्कुल समझ लो रंग को राजा बना देती है, ऐसी स्थिति आ जाती है। ऐसे लोगों को कभी भी किसी छोटे कार्य में अपने आप को नहीं फंसाना चाहिए, किसी नौकरी में भूल के भी नहीं फंसाना चाहिए, अपने आप को पूर्ण तौर पर व्यवसाय को समर्पित कर देना चाहिए, अपनी बुद्धि बल को समर्पित कर देना चाहिए, और जो मन में है, जिसके लिए आप बने हैं, उसके लिए तन मन धन से लग जाना चाहिए, क्योंकि आप कभी पीछे नहीं आएंगे, कभी आपके जीवन में जो है ना वो निराशा नहीं आ सकती है। आप सिर्फ सफलता और बहुत बड़ी सफलता के लिए बने हैं, जिसके अंदर में 10,000, 20,000 और 50,000 लोग काम करें, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं रोजगार सृजित करने का काम करें, सृजन करने का काम, ऐसी स्थिति को दिखाता है। ये आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है, जिसके बारे में कई दफ़े आपके पास शब्द नहीं हो सकते, आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी स्थिति को ये लेके जाता है। अब सवाल उठेगा कि अगर भाग्य रेखा उस समय नहीं है तो भी क्या ऐसी स्थिति आती है? बिल्कुल, अगर आपके प्लैनेट्स की यहाँ की मूवमेंट सही तरीके से चल रही है, बुध का है बिल्कुल प्रखर स्थिति में, बिल्कुल तेजस्वी स्थिति में यहाँ पर उपस्थित है, उस समय अगर आपकी भाग्य रेखा नहीं है तो इसे गलत मत मानना, क्योंकि भाग्य रेखा की भी शक्ति उस समय इसी में समाहित होगी और ये उसी प्रकार से काम करेगी, डबल शक्ति लेके काम करेगी, ठीक है। और जैसे ही ये चंद्र के क्षेत्र से निकली है, मन पर बहुत बड़ा काबू होगा जातक का, बड़ा जो है नियंत्रण होगा जातक का यहाँ पर, और ये आपको मतलब समय का जो सही सदुपयोग होता है ना, समय का जो पर जो सही तरीके से पकड़ होनी चाहिए वो आपके लिए बना देने का ये काम करता है, और जीवन में तमाम प्रकार के अवसरों का फायदा उठाते हुए आप अपने जीवन को बिल्कुल जो है सुफर से अर्श की तरफ लेते हुए चले जाते हैं और तमाम प्रकार की ऊंचाइयों को यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। अब मान लो कि ऊपर के क्षेत्र में कुछ रेखाएँ स्वतंत्र रूप से बनी हुई हो, इस पर ध्यान देना। यहाँ पर अगर ऊर्ध्व स्थिति में रेखाओं की स्थिति है, 1 से 3 तक की संख्या में है, बहुत अच्छा है, विभिन्न प्रकार के कार्य में आप सफल होंगे, सिर्फ एक ही बिजनेस में नहीं, अलग अलग प्रकार के बिजनेस की तरफ भी आप बढ़ते चले जाएंगे। इसके अलावा सूर्य की जब भी ऐसी स्थिति बने तो सूर्य की कुछ खास स्थितियों को जरूर देख लेना। सूर्य की जो भी रेखा हो ऊर्ध्व स्थिति में हो, यानी ऊपर की तरफ बढ़ रही हो, और ऊपर बढ़ने में जो भी सहायक रेखाएँ हैं वो भी स्पष्ट तौर पर ऊपर बहुत सारी यहाँ पर सहायक रेखाएँ छोड़ रही हो, ठीक है, जैसे कि मान लो ट्राइडेंट की जैसी शक्ल आपको दिखने लगे, या बिल्कुल स्थिति ऊपर की तरफ बढ़ती हुई लकीरें, जैसे कि बिल्कुल जीवित है, सजीव स्थिति है, ऐसी जब भी दिखने लगती है तो ये रेखाओं के बल को पर्वत क्षेत्र के जो बल है उसे बढ़ा देगी, और इसके कारण क्या होगा कि आप धन से, बल से, मानसिक तौर पे और समाज से, परिवार से, हर तरीके से आप मजबूत बने रहेंगे, कहीं से भी कोई कमी नहीं आएगी, कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं आएगा जिसके कारण आप कमजोर पड़ जाए, ठीक है। और आपके आपका जो आत्मबल है, सूर्य यहां पर काफी बेहतर काम करेगा, आत्मबल, मनोबल, धनबल, ठीक है, तब बल सब आपका यहां पर काम करेगा और आपके लिए चीजों को आपके अधीन करता हुआ चला जाएगा। गुरु की स्थिति जितनी अच्छी रहेगी उतने ज़्यादा आपको सही लोगों का और काम के लोगों का सपोर्ट यहाँ पर मिलता चला जाता है और आपकी पहचान बनती चली जाती है, लीडरशिप क्वालिटी जो आपके अंदर है वो बिल्डअप होती चली जाती है और जीवन को बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ाते हुए बढ़ते चले जाते हैं। अब इसी के मध्य में चूंकि ये बाहर की तरफ से निकली है, मस्तिष्क रेखा की स्थिति कैसी है इसे भी देखा जाना चाहिए। अब दो स्थिति यहाँ पर बनती है, मान लो मस्तिष्क रेखा बिल्कुल अलग से निकल के चल रही है, ठीक है, जीवन रेखा से उसका कोई संबंध नहीं है, अलग से निकल के चल रही है, ऐसी स्थिति में कई बार क्या होगा कि लोग आपके विरोध में चले जाते हैं, कि आप अपने मन से फैसले लेते हैं, बिल्कुल अलग फैसले लेते हैं, जब जो मन आता है जिसको बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऐसी सिचुएशन में कभी भी किसी के हिसाब से चलने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपकी सारी शक्तियाँ धरी की धरी रह जाएगी, सारी काबिलियत धरी की धरी रह जाएगी। आप जो चाहते हो, जैसे चाहते हो, अपने आइडियाज़ के अनुसार ही जीवन में आगे बढ़ना। अब मान लो किसी की जीवन रेखा के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है, उस समय भी जो आपका विचार है उसी के साथ आगे बढ़ना, सुनना सबकी, करना अपने मन की हमेशा, तो ही आपके लिए फायदे का सौदा यहाँ पर साबित होती चली जाएगी। और भी बहुत कुछ होते हैं जिसके प्रभाव आपके जीवन में अलग अलग तरीके से आते हैं, जानेंगे उन सब के बारे में भी जब मौके आएंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। ओनली वन रियल एस्ट्रोलॉजी अगर आप जानना चाहते हैं, पामिस्ट्री आप जानना चाहते हैं, तो रंग एस्ट्रो के अलावा यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे, एंटायर यूट्यूब पे और कोई भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होता है, तो रियल पामिस्ट्री के लिए आप रंग एस्ट्रो पर ही बने रहे। मिलते हैं फिर, जय जय श्री राधे।